जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। सुशांत की आखिरी फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में छा गई है। सोशल मीडिया पर जहां दिल बेचारा ट्रेंड कर रही है, वहीं फिल्म रिव्यू वेबसाइट IMDb में फिल्म की रेटिंग 10 हो गई थी। फिलहाल दिल बेचारा की IMDb रेटिंग 9.8 है। हालांकि 11.25 मिनट तक IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 10 थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म क्रिटिक्स भी सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। दर्शक अपने चहेते स्टार की फिल्म से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, और वो हो भी क्यों ना, फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी है। यह फिल्म मौत और प्यार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस फिल्म में मौत से लड़ने के कई फलसफे बताए गए हैं, और वहीं इस फिल्म की दर्द भरी थीम जनता को जोड़ते हुए नजर आ रही है। आपको एक और खास बात बता दें कि जैसे ही ये फिल्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई, दर्शकों के ट्रैफिक से करीबन 2 घंटे बाद हॉटस्टार पूरी तरह क्रैश हो गया। फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी थी। हंसल ने बताया कि उन्होंने हॉटस्टार पर सुशांत की फिल्म देखनी चाहिए, तो उन्होंने पाया कि हॉटस्टार क्रैश हो गया है। तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अपने चहेते स्टार के लिए उनके दर्शकों का और जनता का प्यार कितना उभर कर दिख रहा है। आपको बता दें कि सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की कहानी लाजवाब है। सुशांत ने फिल्म में एक मैनी का किरदार निभाया है, जो एक हैंडीकैप होते हुए भी जिंदगी खुल के जीता है। सुशांत खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है थायराइड कैंसर से जूझ रही बंगाली लड़की कीजी बासु से। कीजी हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर साथ चलती है और जिंदगी में हमेशा दुखी रहती है। जब कीजी खुशनुमा मैनी से मिलती है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वाकई में सुशांत ने इस मूवी में सही कहा है, जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं।